हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू अड्डा 247 ऑनलाइन स्कूल. और हम कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स का रिवीजन आपकी रेफरेंस बुक आरडी शर्मा से. सो आरडी शर्मा से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं हर एक टॉपिक पर, आपके हर एक फार्मूला पर, वो क्वेश्चंस कुछ मैं लेकर के आया हूँ. कुछ एक क्वेश्चंस हैं. इससे पहले कि हम इन कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, सो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की हम बात करेंगे. एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को हम डिस्कस भी करेंगे, कैसे कैसे कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं उनकी बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली वीडियो को. आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और तब तक यहाँ पर ये एक मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ. सो देखिएगा, आपने आइडेंटिटीज़ जो पढ़ी हैं, एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की. क्या हो जाता है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाता है. और कुछ आइडेंटिटीज़ की बात करें, सो ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ए प्लस पी होल क्यूब की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी. और ए माइनस बी होल क्यूब की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी. तो देखिए, ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी. और आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की, जो कि होती है आपकी a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac. कुछ आइडेंटिटीज़ हैं ये जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें पता होनी चाहिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को करने के लिए. सो चलिए अब अपने क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं. आसान से क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे. इसके बाद हम और क्वेश्चंस पर भी आएंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के. तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ. एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1. सो देखिएगा, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? अगर हम इसको देखें तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट बन रहा है. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 x रेज टू द पावर 4 प्लस 1. वापस से आप यहाँ पर देखें तो आप इसको एक फॉर्मेट समझ पा रहे हैं. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है. अगर मैं x स्क्वायर को x मान लेता या a मान लूँ इसको, इसको मैं a मानूँ, इसको b, इसको a और इसको b, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट है फिर से. यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर x रेज टू द पावर 4 प्लस 1. क्या हो जाएगा? x रेज टू द पावर 4 माइनस 1 x रेज टू द पावर 4 प्लस 1. वापस से ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट बन जाता है. जब आप x रेज टू द पावर 4 को a मान लें और b 1 को b मान लें तो क्या हो जाएगा? x रेज टू द पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? x रेज टू द पावर 8 माइनस 1. और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा. चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. अगला क्वेश्चन भी हमारा एग्जैक्टली इसी तरीके से है. क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? x माइनस वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4. सो देखिएगा, जैसे आपने पहले किया पिछले क्वेश्चन में एग्जैक्टली उसी तरीके से है. जानते हैं अब आपको यहाँ पर क्या करना है. ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट बन जाता है. आपने a को x मान लिया और b को 1 अपॉन एक्स मान लिया. क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
multiply x raised to the power 4 plus 1 upon x raised to the power 4. वापस से ही वही फॉर्मेट बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. अब आप जानते ही हैं आपको क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में अब आप कर ही चुके हैं. ये हो गया x raised to the power 4 माइनस 1 upon x raised to the power 4 मल्टीप्लाई x raised to the power 4 प्लस 1 upon x raised to the power 4. क्या हो जाएगा अब ये x raised to the power 8 माइनस 1 upon x raised to the power 8. बहुत सिंपल से क्वेश्चन है. इस तरीके के क्वेश्चन आपके एक मार्क्स में, दो मार्क्स में इस तरीके से आते हैं. जनरली यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को छोड़ दें, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक ये सभी क्वेश्चंस आपके एक से दो मार्क्स में आते हैं क्वेश्चंस. चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं. 0.99 का स्क्वायर है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है. सो देखिएगा, 0.99 है. अगर इसमें 0.01 ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो गया, 1 बन जाएगा. 0.99 है, अगर इसमें मैं 0.01 को ऐड कर दूं, 0.01, 9 और 1 10, 1 इधर कैरी हो गया, 9 और 1 10, 1 इधर कैरी हो गया, 1 और 0 1, सॉरी ये 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 1. यानी कि एक में से कितना कम है, 0.01 कम है. चलिए इसको इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं. अब हमने इसको इस फॉर्मेट में क्यों लिखा, हमने इसको इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा क्योंकि 0.99 का स्क्वायर करना ज़्यादा मुश्किल हो पाता, जबकि अगर मैं 0.01 के स्क्वायर की बात करूं या 1 के स्क्वायर की बात करूं, और मेरे पास एग्जैक्टली फार्मूला है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, क्योंकि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. क्या हो जाएगा देखिएगा, 1 माइनस 0.01 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 0.01. देखिए 1 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 1 होगा. अब बात आती है कि 0.01 का स्क्वायर क्या होगा. देखिए यहाँ पर जितना डेसिमल के बाद का नंबर है, ठीक है, जितनी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, उसकी ट्वाइस हो जाएंगी. कैसे, 0.01 है यानी कि 1/100, जब आपने डेसिमल को हटा दिया, ठीक है, ये 1/100 हो गया. अब आपको इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि 1/100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा. अब जब आप 10,000, अब इसको आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आपने एक ज़ीरो को हटाया तो डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट हुआ, फिर आपने दूसरे ज़ीरो को हटाया तो डेसिमल यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ज़ीरो आ गया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, तो इस तरीके से, तो ये आपकी 0.0001 वैल्यू बन गई. चलिए लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस 0.0001 माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू 0.01, तो क्या हो जाएगा, 0.02. इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1.0001 माइनस 0.02. देखिएगा जब डेसिमल के बाद ये डिजिट्स, यहाँ पर 0.02 है, अब डिजिट्स इसकी एंड हो गई, तो यहाँ पर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को अगर मैं लगा दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इस 1 के बाद भी अगर मैं 0.0001 को अगर मैं आगे इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लगा दूँ तो इससे कोई फ़र्क एक्चुअली पड़ेगा नहीं, ठीक है. तो देखिएगा वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 1.0001 है और आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.02, ठीक है. आपने यहाँ पे ज़ीरोज़ लगा दिया, क्या हो जाएगा, देखिए 1 में से 0 गए, 0 बचा, इधर 0 आ गया, अब इधर से ही कैरी हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए, 8 बचे, ठीक है. जब ये यहाँ पर कैरी होकर के आया था तो पहले ये 10 बना था, फिर उसके पास 10 में से 1 यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर ये 9 बन गया था, तो ये 9 हो गया. तो यानी कि आपके पास क्या मिला, 0.9801, तो यानी कि ये हो गया 0.9801. चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान सा है.
देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर में, 0.54 मल्टीप्लाई 0.54 माइनस 0.46 मल्टीप्लाई 0.46, ये क्या हो गया, ये हो गया 0.54 का स्क्वायर माइनस 0.46 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या फॉर्मेट बन गया आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर आप आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को आप देखेंगे तो वो क्या होती है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, एग्जैक्टली यही आपको यहाँ पर यूज़ करना है, 0.54 प्लस 0.46 और 0.54 माइनस 0.46, मल्टीप्लीकेशन है दोनों का बीच में, देखिए क्या हो जाएगा, 0.54 और 0.46, 54 और 46 को देखिए क्योंकि डेसिमल के बाद आपके नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, 54 में आपने 6 को ऐड किया तो 60 हो गया और 60 में आपने 40 को ऐड किया तो 100 हो गया, जब ये डेसिमल के बाद है तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि 100 हो गया 100 और पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आनी है तो 1.00। 0.54 में से 0.46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, अगर 54 में से मैं 40 को हटाऊंगा, 54 में से 46 को निकालूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 8 बचेगा, यानी कि यहाँ पर बचा 0.08। वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0.08, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये अधूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ये चीज़ भी है कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू आपको यहाँ पर 6 दे रखी है, ठीक है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 6 दे रखी है और आपसे पूछी है कि x रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो एक चीज़ आप यहाँ से समझिए, अगर मैं x रेज टू द पावर 4 को a मान लूँ या x को अगर मैं a मानूँ और 1/x को मैं b मानूँ तो ये x a रेज टू द पावर 4 और सॉरी माफ़ कीजिएगा और b रेज टू द पावर 4 कुछ ऐसा फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है, अब ये कहाँ से आएगी वैल्यू हमारे पास, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का इनके स्क्वायर सही है, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी कि अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करता तब मुझे कहीं ये चीज़ मिल पाती जो कि होती ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 × ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वैल्यू मुझे मिलती तब अगर मुझे ये वैल्यू मिलती तब मेरी कहीं से ये वैल्यू आ पाती, ठीक है, यानी कि a रेज टू द पावर 4 और b रेज टू द पावर 4 कुछ इस तरीके से आती, जिसके लिए मुझे a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए होती। अब ये किस तरीके से यहाँ पर आ रहा है इसको समझिएगा, देखिए जो आपको इसने ये x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है इसकी यहाँ पर नीड है, क्यों, अगर आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/x, ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आपका क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, ये 2 इधर चला गया और हमने उसको इस फॉर्मेट में लिख लिया, इस तरीके से लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेंज कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस पूरे का ये जो है ना इसका अगर मैं पूरे का स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर कर दूँ तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास है जो कि कितनी है 6, तो देखिएगा यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6×6=36 माइनस 2, यानी कि इसकी वैल्यू मिल गई आपको 34, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है उसको देखिएगा,
अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरे को क्या वैल्यू मिलती है? वो वैल्यू मेरे को मिलती है एक्स रेज टू द पावर फोर अपॉन एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस टू इंटू एक्स इंटू सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस टू, ये मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या निकली थी? 34 निकली थी. हम इसी का स्क्वायर कर देंगे. हमने यहाँ पर 34 का स्क्वायर कर दिया, क्या हो जाएगा? x रेज टू द पावर 4 प्लस वन अपॉन x रेज टू द पावर 4 प्लस 2. 34 का स्क्वायर कीजिएगा, 34 का स्क्वायर देखिए कितना आएगा. 30 का स्क्वायर हमारा 900 आएगा और 34 का स्क्वायर आपका आता है 1156. ठीक है, तो ये 1156 आ गया आपका 34 का स्क्वायर. बस यहीं से आप अपनी वैल्यू पुट कर दीजिएगा 1156. ये 2 यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4, यानी कि x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4 की वैल्यू आपको मिल गई 1154. आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अब थोड़ा ये प्रूफ का क्वेश्चन आ जाता है, इसको देखते हैं. अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है? कह रहा है इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी एंड इज इक्वल टू सी. सो देखिए कैसे करना है इसको. एक तरीके तो आप ये कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये माइनस ए बी करके फिर इसमें ए बी को ऐड करके फिर वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके, ठीक है, उस तरीके से आप कर सकते हैं. देखिएगा ये आपको ज़ीरो के इक्वल दे रखा है. दोनों तरफ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हम टू का मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है, अगर हम दोनों तरफ टू का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा? टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी इक्वल्स टू ज़ीरो. ज़ीरो इंटू टू ज़ीरो हो जाएगा. तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ से आप एक ए स्क्वायर और बी एक बी स्क्वायर को अलग कर दीजिए और उसके साथ माइनस टू ए बी ले लीजिए. यहाँ से आप प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ले लीजिए, उसके साथ माइनस टू बी सी ले लीजिए और प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लीजिए, उसके साथ माइनस टू ए सी ले लीजिए, तो वो ज़ीरो हो जाएगा. सो देखिएगा ये वही हो गया, टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर टू ए बी टू बी सी टू सी ए सी, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो. तीन टर्म्स का स्क्वायर कर रहे हैं और हमें ज़ीरो के इक्वल मिल रहा है, यानी कि ये भी ज़ीरो के इक्वल रहा होगा, ये भी ज़ीरो के इक्वल रहा होगा, ये भी ज़ीरो के इक्वल रहा होगा. एक हम ये एजम्पशन इसमें लेकर के चलते हैं, या फिर हम ये माने अगर ये माइनस वन रहा मान लीजिए और ये प्लस वन रहा और ये ज़ीरो रहा तो भी ये ज़ीरो हो गया. लेकिन इस केस में हम तीनों को ज़ीरो के इक्वल लेकर के चलते हैं. तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा ज़ीरो हो गया, तो यानी कि a माइनस बी बराबर ज़ीरो, a इज़ इक्वल टू b. यहाँ से b माइनस सी का होल स्क्वायर ज़ीरो हो गया, तो b माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि b इक्वल्स टू c. और यहाँ से c माइनस ए का होल स्क्वायर ज़ीरो हो गया, तो c माइनस ए ज़ीरो हो गया और c इक्वल्स टू a. तीनों केसेस से हमें क्या मिल गया, a इज़ इक्वल टू b एंड इज़ इक्वल टू c, जो कि हमें प्रूफ करना था.
तो चलिए अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेवन पर. और क्वेश्चन नंबर सेवन की अगर हम बात करें तो आपको दे रखा है x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, x स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और x रेज टू द पावर 4 प्लस वन अपॉन x रेज टू द पावर 4 की वैल्यू आपको निकालनी है. तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी आपने किया था. तो देखिएगा, अगर मैं x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करूँगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू मिलेगा ना. क्यों? क्योंकि टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स क्या हो जाता है आपका, कैंसिल आउट हो जाता है और आपको टू मिल जाता है. सो अब आप ये चीज़ जान चुके हैं कि हमें यहाँ से जब भी हम स्क्वायर करते हैं इस तरीके से हमें यहाँ से टू मिल जाता है. हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जबकि हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, रूट फाइव. रूट फाइव आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, उसका स्क्वायर. टू की साइड चेंज कर दीजिए, यहाँ पर माइनस में आ गया, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट फाइव का स्क्वायर फाइव माइनस टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल गई, थ्री मिल गई. आसान सा है. अब इसमें एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर फोर की वैल्यू निकालेंगे. तो देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा, एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, टू इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि कैंसिल आउट होकर के आपको वापस से टू मिल जाएगा. तो चलिए टू ही लिख लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल चुकी है, थ्री आई थी, तो यानी कि थ्री का स्क्वायर हो जाएगा. टू की अगर मैं साइड चेंज कर दूं तो यहाँ पर माइनस टू हो गया, एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर फोर, यहाँ से आपको एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर फोर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, थ्री, थ्री जन नाइन, क्योंकि थ्री का स्क्वायर है, नाइन माइनस टू सेवन. आसान सा क्वेश्चन है. देखिएगा इसके आगे के सभी क्वेश्चंस आसान से हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में. हाँ, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके ये दो मार्क्स में जरूर आ जाते हैं. ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर एट है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, क्वेश्चन नंबर टेन और क्वेश्चन नंबर इलेवन, ये दो मार्क्स में आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं. दो मार्क्स से ज़्यादा का इनका वेटेज बनता नहीं है. क्वेश्चन नंबर एट की अगर मैं बात करूँ, दे रखा है वन अपॉन टू ए माइनस थ्री बी मल्टीप्लाई थ्री बी प्लस वन अपॉन टू ए मल्टीप्लाई वन अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर. देखिएगा ये वन अपॉन टू ए माइनस थ्री बी है, ये थ्री बी प्लस वन अपॉन टू ए है. अगर इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख देता, अगर इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, देखिएगा रिवर्स ऑर्डर मतलब इस तरीके से मैं अगर इसको लिख दूं, तो बात वही है ना, वन अपॉइंट टू ए प्लस थ्री बी या थ्री बी प्लस वन अपॉइंट टू ए, बात वही रह जाती है, वन अपॉइंट फोर ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर. देखिएगा ये क्या फॉर्मेट बन गया आपका, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मेट बन गया, जो कि क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. तो वन अपॉइंट टू का स्क्वायर माइनस थ्री बी का स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पर हो गया वन अपॉइंट फोर ए स्क्वायर प्लस नाइन पी स्क्वायर. ये देखिएगा क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस नाइन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई वन अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर. वापस से ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मेट बन गया, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वन अपॉन फोर ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस नाइन बी स्क्वायर का स्क्वायर, जो कि आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी. देखिए वन अपॉइंट फोर का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको वन अपॉइंट सिक्सटीन मिल जाएगा, ए स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर आपको फोर मिल जाएगी, माइनस नाइन का जब आप स्क्वायर कीजिएगा वैल्यू मिल गई 81, और बी स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा तो वैल्यू मिल गई बी रेज टू द पावर फोर. आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, केवल ये आपको मल्टीप्लाई करते चले जाना है. इस तरीके का क्वेश्चन अभी हमने किया भी था बीच में, जब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर वन से, जब हमने स्टार्ट किया था
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन में। x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 माइनस x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x। अगर ये मेरा ये टर्म इस फॉर्मेट में आ जाती, इस फॉर्मेट में इस तरीके से ही आ जाए तो कुछ मेरे को यहाँ से ईज हो जाएगी इसको सॉल्व करने में। देखिएगा अगर मैं इसमें से माइनस वन को कॉमन ले लूँ या इसमें से माइनस वन को कॉमन ले लूँ, कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 5, यहाँ से अगर आप माइनस वन को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 5, और यहाँ से आपने माइनस वन को कॉमन ले लिया है, माइनस वन को अपने कॉमन ले लिया, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x। सो देखिएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी आपका क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। सो ये क्या हो गया आपका, x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन, माइनस 1 एज इट इज है यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक्सपेंड कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 5 का स्क्वायर 4 अपॉन 25 प्लस आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 5। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 के साथ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो देखिएगा अब ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन 25 माइनस 2x अपॉन 5 मल्टीप्लाई विथ माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको पूरे को एक्सपेंड कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, देखिएगा क्या हो जाएगा, ये जब आप माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके साथ, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ऑफ 4 अपॉन 25 प्लस 2x अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 5 प्लस 2x माइनस 4 अपॉन 25। सेम वेरिएबल्स को, सेम डिग्री वेरिएबल्स को हमने साथ में लिख लिया, करते हैं इसको, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, देखिएगा एलसीएम लेंगे आप यहाँ से तो 4 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, सो माइनस ऑफ 5x स्क्वायर प्लस, जब आप इसका एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है, 2x प्लस 2x में यहाँ पर 5 का मल्टीपल होगा तो 10x, तो ये 12x हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 25, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इसकी। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी। अब इसके आगे आपको कुछ भी सॉल्व करने की, कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिएगा 10th में क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, यहाँ पर एक x ज़्यादा मल्टीप्लाइड है हर एक टर्म के साथ, और यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस है, किस तरीके से हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ से हमने अगर एक x को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब देखिएगा अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ, इसको मैं पूरे को a मान लूँ, इसको b, ये पूरे को a मान लिया और इसको b, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट बन गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाएगा यहाँ से, x ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि x का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर है,
ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर तो 9x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3x, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3x माइनस 1। ये पूरा इस तरीके से आपका चल रहा है। तो देखिएगा अब आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, x x x raised to the power 4 plus 9x square minus 2 into x square 2x square into 3x. तो 2 3 is 6 और x square into x तो x cube minus 1 multiply कर देंगे x का अंदर तो हो जाएगा x raised to the power 5 plus 9x cube minus 6x raised to the power 4 माइनस एक्स। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 10 को किया उसी तरीके से आपके आपको क्वेश्चन नंबर 11 को करना है। 2x raised to the power 4 minus 4x square plus 1 2x raised to the power 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1। इस टर्म को a मान लीजिए और 1 को आप b मान लीजिए। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, a b a प्लस b इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है आपका। अगर आप a प्लस b इंटू ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2x रेज टू द पावर 4 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x रेज टू द पावर 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1। देखिएगा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और x रेज टू द पावर 4 का स्क्वायर क्या हो गया, x रेज टू द पावर 8 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू द पावर 4 माइनस 2 टू द 4 एंड 4 4 ज 16। x की बात करें तो x की पावर 6, x रेज टू द पावर 4 है और x x का स्क्वायर है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है और यहाँ पर बचा माइनस 1 एंड दिस इज योर आंसर। आसान सा क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें तो हमें क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अगर आप इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो बात वही रह जाती है। सो देखिएगा क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिएगा ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac डिवाइडेड बाय 2। ये पूरा आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक साथ लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसको एक साथ लिख लिया प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इसको इसके साथ लिख लिया, ठीक है ये बीच में हमारा प्लस है, प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले लीजिए या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लीजिए, एक ही बात रहेगी आपकी और ये पूरा आपका 2 से डिवाइडेड है। चलिए अब इसको ऊपर की तरफ कर लेते हैं, ऊपर यहाँ पर इसको करते हैं। सो देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी है तो ये b माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी लिख लीजिए, या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी लिख लीजिए, एक ही बात, इसको अगर मैं c माइनस ए का होल स्क्वायर लिख लूँ तो एक ही बात रहेगी अपॉन टू। अब एक चीज़ यहाँ से समझिएगा, किसी भी केस में चाहे a और b की कोई भी वैल्यू हो, स्क्वायर्स आपके हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो यानी कि ये पूरी जो टर्म है हर एक नंबर ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और तीनों का सम भी पॉजिटिव होगा। और अगर उसको मैं टू से डिवाइड कर दूंगा तो भी वो कितना कोई सा भी नंबर हो, चाहे वो 0.001 हो, फिर भी वो टू से डिवाइड होने के बाद एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। सो हर केस में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन टू विल ऑलवेज बी इक्वल टू और लेस देन सॉरी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ज़ीरो। हर केस में ये ज़ीरो से बड़ा होगा। सो हमें यहाँ से समझ में आ जाता है, मिल जाती है वैल्यू कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव। वो हर एक केस में हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव किसी भी केस में नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को ज़ीरो रख दे तो केस बन जाएगा कि ये ज़ीरो के इक्वल हो जाए, जो कि मैंने आपको बताया था नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं होगा। ए उसका पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, अगर वैल्यू से ज़ीरो है तो ज़ीरो हो जाएगा, वो केस पॉसिबल है, लेकिन किसी भी केस में नेगेटिव उसका होना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन टू प्लस जेड अपॉन थ्री स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन थ्री प्लस जेड अपॉन फोर स्क्वायर। अब देखिए अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखें तो क्या आप इन दोनों टर्म्स को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान सकते हैं? अगर इन दोनों टर्म्स को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट मान ले तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन टू प्लस जेड अपॉन थ्री स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन थ्री प्लस जेड अपॉन फोर का स्क्वायर है। इस पूरे टर्म को मैं ए मान लूँ, इस पूरी टर्म को मैं बी मान लूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाएगा, जो कि मेरा क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई अपॉन टू प्लस जेड अपॉन थ्री प्लस एक्स अपॉन टू प्लस वाई अपॉन थ्री प्लस जेड अपॉन फोर मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई अपॉन टू प्लस जेड अपॉन थ्री माइनस एक्स अपॉन टू माइनस वाई अपॉन थ्री माइनस जेड अपॉन फोर। सो देखिएगा यहाँ से थोड़ा लेंदी हो गया है, बट कहीं ना कहीं ये करने में अब ज़्यादा बेटर और ज़्यादा आसान हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस सेट का होल स्क्वायर x प्लस एक्स अपॉन टू एक और आधा, देखिए कितना हो जाएगा ये 3x अपॉन टू हो जाएगा, y अपॉन टू प्लस वाई अपॉन थ्री एलसीएम लिया तो 6 हो गया, इधर हो जाएगा 3y इधर हो जाएगा 2y तो हो जाएगा 5y प्लस जेड अपॉन थ्री प्लस जेड अपॉन फोर करेंगे एलसीएम आपका 12 आ जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा 7z। ये आपका यहाँ पर हो गया, इधर x माइनस एक्स अपॉन टू तो बचा आपका x अपॉन टू वाई अपॉन टू माइनस वाई अपॉन थ्री एलसीएम आपका 6 आ जाएगा 3y माइनस 2y तो यानी कि y प्लस का और जेड अपॉन थ्री माइनस जेड अपॉन फोर वापस आपका एलसीएम 12 आ जाएगा पॉजिटिव का रहेगा क्योंकि 4z माइनस 3z हो जाएगा
जो कि आपका बचेगा सिंगल जेड। अब देखिए हमें ये चीज़ मिल गई, अब हम यहाँ पर इस पर एक्सपेंशंस इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इस पर अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिएगा करने को आप दोनों ही इसमें तीनों ब्रैकेट्स में a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी कर सकते थे, वो भी हमारी वही बात रह जाती, और यहाँ पर हमने किया है वो भी हमारी वही हमारा आंसर आएगा। सब देखिएगा इसका हम स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू एक्स जेड। ठीक है, ये हमारे इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, थ्री एक्स अपॉन टू मल्टीप्लाई एक्स अपॉन टू, तो ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस थ्री एक्स अपॉन टू मल्टीप्लाई वाई अपॉन सिक्स, तो ये हो गया थ्री एक्स वाई अपॉन ट्वेल्व, थ्री एक्स वाई अपॉन ट्वेल्व। ठीक है, यही हो जाएगा थ्री एक्स अपॉन टू मल्टीप्लाई जेड अपॉन ट्वेल्व, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स जेड अपॉन ट्वेंटी फोर, थ्री एक्स जेड अपॉन ट्वेंटी फोर प्लस, देखिए हर एक टर्म का आपको इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करते जाना है, फाइव वाई अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई एक्स अपॉन टू, तो ये हो जाएगा फाइव एक्स वाई, फाइव एक्स फाइव वाई अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई एक्स अपॉन टू, तो ये हो गया आपका फाइव एक्स वाई अपॉन ट्वेल्व। ठीक है, फाइव वाई अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन सिक्स, तो ये हो गया फाइव वाई स्क्वायर अपॉन थर्टी सिक्स। ठीक है, फाइव वाई अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई जेड अपॉन ट्वेल्व, तो ये हो गया फाइव वाई जेड अपॉन ट्वेल्व सिक्स जा सेवेंटी टू, फाइव वाई जेड अपॉन सेवेंटी टू। आगे सेवन जेड का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखिएगा काफ़ी बड़ी टर्म हो जा रही है और ये बीच में प्लस का साइन है, काफ़ी बड़ी टर्म हो जा रही है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आसान से क्वेश्चन है, सेवन जेड अपॉन ट्वेल्व मल्टीप्लाई एक्स अपॉन टू, क्या हो जाएगा सेवन एक्स जेड अपॉन ट्वेंटी फोर प्लस सेवन जेड अपॉन ट्वेल्व मल्टीप्लाई वाई अपॉन सिक्स, हो जाएगा सेवन वाई जेड अपॉन सेवेंटी टू, सेवन वाई जेड अपॉन सेवेंटी टू, और सेवन जेड अपॉन ट्वेल्व मल्टीप्लाई जेड अपॉन ट्वेल्व, हो जाएगा सेवन जेड स्क्वायर अपॉन वन फोर्टी फोर प्लस सेवन जेड स्क्वायर अपॉन वन फोर्टी फोर। ठीक है, देखिएगा अब देखिएगा ये सब यहाँ पर इसमें सिंप्लीफिकेशंस कर लीजिए, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर, और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, सेवेंटी टू यहाँ पर नहीं हो सकता, वन फोर्टी फोर यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। सो देखिएगा एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर की टर्म्स को ऐड कर देंगे, एक्स वाई यहाँ पर ये एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है यहाँ पर ये एक्स जेड और यहाँ पर ये एक्स जेड, इन टर्म्स को भी ऐड कर देते हैं, फिर इसके साथ इन टर्म्स के साथ ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू एक्स जेड प्लस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस फाइव वाई स्क्वायर अपॉन थर्टी सिक्स प्लस सेवन जेड स्क्वायर अपॉन वन फोर्टी फोर, सबको अलग एक ऑर्डर में लिख लीजिए, थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस फाइव वाई स्क्वायर अपॉन थर्टी सिक्स प्लस सेवन जेड स्क्वायर अपॉन वन फोर्टी फोर प्लस। अब देखिएगा एक्स वाई के टर्म्स को लेंगे, यहाँ पर एक्स वाई अपॉन फोर है और यहाँ पर फाइव एक्स वाई अपॉन ट्वेल्व, तो एक्स वाई अपॉन फोर प्लस फाइव एक्स वाई अपॉन ट्वेल्व, क्या हो जाएगा एलसीएम आपका ट्वेल्व आ जाएगा, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व होता है, तो यहाँ पर थ्री एक्स वाई हो गया और यहाँ पर फाइव एक्स वाई है, क्या हो जाएगा एट एक्स वाई अपॉन ट्वेल्व, फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, यानी कि टू एक्स वाई अपॉन थ्री, क्या आ जाएगा यहाँ पे टू एक्स वाई अपॉन थ्री। ठीक है,
अब एक्स वाई, हम एक्स वाई वाली टर्म्स हमारी हो गई और एक्स वाई की कोई टर्म है नहीं। अब वाई जेड की टर्म्स की बात कर लेते हैं। वाई जेड की एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म हमारे पास ये है, दोनों में ही हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 72 है। एक बार है 5yz/72 और एक बार है 7yz/72, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारा 72 है तो दोनों ही केस में एलसीएम भी 72 आ जाएगा। 5yz + 7yz 12yz हो गया, 12 6 72 क्या बचा आपके पास, yz/6 प्लस। अब xz वाली टर्म्स ले लीजिए, xz/8 और 7xz/24, यहाँ पर ये हो गया 7xz/24 प्लस xz/8। यहाँ आप इसको ये लिख लीजिए जैसा कि पहले था 3xz/24, ठीक है, वही बात है 3x/24 आपका एलसीएम आ गया। डिनोमिनेटर है दोनों ही केस में 7xz + 3xz, तो कितना हो गया आपका 10xz, ठीक है। 2 से डिविजिबल है, 2 5z 10, 2 12z 24, कितना आ गया आपका 5/12xz, ये आपको यहाँ से वैल्यू मिल गई। अब बस इन वैल्यूज़ को इसके साथ ऐड कर देना। देखिए बहुत लंबा और लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x² + 3x² / 4 प्लस y² + 5y² / 36 प्लस z² + 7z² / 144 प्लस 2xy + 2xy/3 प्लस 2yz + yz/6 प्लस 2xz + 5/12xz, ठीक है। इन टर्म्स को ऐड कर देंगे तो देखिएगा हमारे पास अब वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें। यहाँ पर x² + 3x² / 4 एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, ठीक है। x² + 3x² / 4 किया, एलसीएम लिया, 4 आया, यहाँ पर कितना ऐड हो जाएगा, देखिए एलसीएम लिया आपने, 4 आया, तो यहाँ पर 4x² + 3x² कितना हो गया, ये 7x² लिख देते हैं, 7x² / 4। जब आप यहाँ पर करेंगे सो y² में 36 का मल्टीपल हो जाएगा, सो 36y² + 5, सो 36 + 5 कितना हो गया आपका 41, सो ये हो गया 41y² / 36 प्लस ऐसे ही यहाँ पर z² के साथ 144 का मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना हो गया 144 + 7 कितना हो गया 151 z² / 144 प्लस यहाँ पर 2xy का 3 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, सो कितना हो जाएगा 6xy + 2xy, तो 8xy / 3 प्लस 2yz का मल्टीप्लिकेशन x इसके 6 के साथ हो जाएगा, तो हो गया 12yz + yz, तो ये हो गया आपका 13yz / 6 प्लस और यहाँ पे 2xz का मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ, तो 2 12z 24 और 24 + 5 आपका 29, तो 29/12xz और ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट आसान क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, आसान सा क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 3 से 4 मार्क्स में, बट जनरली 4 मार्क्स में 4 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बहुत लेंदी क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसलिए ये 4 मार्क्स की वेटेज तक रख लेते हैं। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल आपको सिंपल मार्क्स दिलाएंगे, मार्क्स गेन कराने वाले क्वेश्चन हैं बट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं ये। सो हमेशा मैं यही चीज़ आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस ना करके ऐसे क्वेश्चंस करिए जिसमें थोड़ा सा एनालिटिक्स हो, जिसमें थोड़ी सी ट्रिक्स हो, क्यों, क्योंकि वो आपका टाइम को सेव कर रहा है।
और जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कर चुके हैं और आप मेरी रेगुलरली सारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप उन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो जितना बड़ा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, उतना ही छोटा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको बी मान लूं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है और हम जानते ही हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए यही फॉर्मेट लगा देंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। सो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और वन आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 2x, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 2 टू ज़ा 4 एक्स क्यूब माइनस 4x। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा और बहुत छोटा सा ये आपका क्वेश्चन था। सो ये थे देखिए आपके एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस, और इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो स्क्वायर्स में किए थे, ठीक है, टू द पावर 2 के, क्वाड्रेटिक जिसको आप पावर कह सकते हैं। सो अब हम आगे की वीडियोस में आपसे मिलेंगे जब हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स पर बात कर रहे होंगे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स पर जब हम क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ अड्डा 247 ऑनलाइन स्कूल में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और क्लासेस रेगुलरली करते रहिए।